संभव के तहत अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने नागरिकों की सुनी फरियाद, कहा अधिकतर मामले टैक्स व साफ सफाई से आए, संबंधित निस्तारण के लिए जोनल अधिकारी को दिए गए निर्देश। 15 ब्लॉकों को शासन के द्वारा क्रेडिट लिमिट किया गया जारी, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर किया जाएगा कार्य, CDO संजय कुमार मीना ने दी जानकारी। निपुण भारत मिशन के तहत अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों के कार्यों को अखबार व चैनल के माध्यम से किया जा रहा है प्रसारित, मार्च 2024 तक जनपद के सभी बच्चे को निपुण बनाने का रखा गया है लक्ष्य, CDO संजय कुमार मीना ने दी जानकारी। मंगलवार को जनपद में हुई झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा आगे भी रुक रुक कर जनपद में होती रहेगी बारिश। फ्लू से बचाव के लिए चश्मे का करें प्रयोग, समय समय पर गुनगुने पानी से धोते रहें आंख, आंख को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का करें प्रयोग, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने नागरिकों से की अपील। मुहर्रम जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के उपलक्ष्य में SP City को किया गया सम्मानित, जताया आभार। साइबर अपराध के रोकथाम इन्वेस्टिगेशन के संबंध में आयोजित हुआ ऑनलाइन प्रशिक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरदैया नाला मकान बचाओ संघर्ष समिति गोरखपुर के बैनर तले मोहल्ले वासियों ने किया प्रदर्शन। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने संभव के तहत निगम के सभागार में फरियादियों के फरियाद को सुना, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि संभव के तहत हर मंगलवार को जन सुनवाई की जाती है, जिसके तहत नागरिकों के समस्या का समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में अधिकतर मामले टैक्स से संबंधित आते हैं, इसके अलावा कुछ मामले में कूड़ा को साफ करने के लिए आए हैं, जिसके लिए जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया है। कि उन्होंने कहा कि सभी नागरिक मंगलवार को संभव दिवस में जरूर आएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा, आज साफ सफाई से संबंधित और टैक्सेशन से संबंधित एक प्रकरण सामने आया है और चूंकि टैक्सेशन वाले प्रकरण में सुनवाई चल रही है तो उससे संबंधित जो जोनल अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि यथाशीघ्र जो है प्रकरण का सुनवाई करके निस्तारण करें। नागरिकों से आज के लिए क्या अपील करेंगे?
हम लोग यही अपील करेंगे कि नगर निगम जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, यदि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो किसी आम जनमानस को, तो संभव एक मंच है जिसमें नगर निगम के सारे विभागों के अधिकारी एक जगह पर बैठते हैं और वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उनका जो भी यथाविधिक निस्तारण होगा वो लोग हम लोग करने का प्रयास करें। नहीं, बहुत ज्यादा कारगर है क्योंकि सारे विभागों के अधिकारी एक ही जगह पर एक ही समय में उपस्थित रहते हैं, तो जनता की किसी भी तरीके की समस्या जो नगर निगम से संबंधित होती है उसके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म जनता के लिए उपलब्ध है कि वो यहीं पर आकर किसी विभाग के अधिकारी से मिलकर के अपनी समस्या के समाधान हेतु अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पुलिस मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा मंगलवार को साइबर क्राइम की रोकथाम व इन्वेस्टिगेशन के संबंध में पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निरीक्षण में पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में साइबर क्राइम सेल अपराध शाखा व जिले के समस्त थानों में 5-5 पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में साइबर अपराध के रोकथाम इन्वेस्टिगेशन के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया एवं साइबर अपराधों के संबंध में बरते जाने वाले सावधानियां, टोल फ्री नंबर 1930 व साइबर क्राइम .gov.in वेबसाइट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने कहा, लखनऊ हेडक्वार्टर से साइबर अपराध के संबंध में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था जिसमें सभी थानों से 5-5 आरक्षी सम्मिलित हुए थे और ये व्हाइट हाउस सभागार जो हमारा पुलिस लाइन में स्थित है वहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें एक पोर्टल है पुलिस का साइबर अपराध से संबंधित, जिसमें जो हमारे आरक्षीगण हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं और अन्य कर्मचारीगण भी, वो इस पर जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोर्स डिजाइन करके रखा हुआ है, उस प्रशिक्षण प्राप्त करके वो उससे संबंधित सर्टिफिकेट भी अवेल कर सकते हैं। तो क्योंकि आने वाला समय जो साइबर क्राइम का है, साइबर अपराध की लगातार बढ़ोतरी हो रही है जैसा हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे समय में पुलिस को साइबर स्मार्ट होना बहुत आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत ये कोर्स और ये प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित किया गया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। जनपद में आई फ्लू से बचाव के लिए चश्मे का प्रयोग करें, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आई फ्लू बीमारी आई कांटेक्ट में आने की वजह से फैल रही है, इसलिए इसके बचाव के लिए चश्मा पहने और जिसको आई फ्लू हुआ है उसके सामान का प्रयोग न करें, जिसको देखते हुए जिला आपदा विभाग द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि बचाव के लिए नियमित हल्के गुनगुने पानी से धोएं व टिश्यू पेपर से आंख को साफ करें और दूसरे के कपड़े का प्रयोग न करें।
इसके अलावा यदि किसी को आई फ्लू हुआ है तो वो सीएससी व पीएससी या जिला अस्पताल पर आकर डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवा सकता है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए आई फ्लू जो एक है वो एक बीमारी जो है वो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से या एक दूसरे के सामान के प्रयोग करने की वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। इसके लिए एक दिशा निर्देश जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के माध्यम से जनहित के दृष्टिगत जारी किया गया था। इसके बचने के जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये हैं कि भाई अगर इस तरीके से किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रही है तो वो एक तो ब्लैक कलर का जो गॉगल होता है चश्मा होता है वो चश्मा लगाएं और आंख को नियमित रूप से हल्के गुनगुने पानी से भी धोएं और उसमें कोशिश करें कि साफ कपड़े से उसको आंख को पोंछे। टिश्यू पेपर का प्रयोग कर सकते हो ज्यादा बेहतर रहेगा और टिश्यू पेपर का प्रयोग करते हुए समुचित सफाई बरतनी चाहिए। किसी और का सामान कतई प्रयोग न करें और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि अगर आपकी आंख कहीं मतलब किसी चीज अगर आपकी आंखों पे जो पानी है अगर वो आपके हाथों पे लगा हुआ है तो वह और संक्रामक रूप से फैल सकता है। तो इस तरीके से समुचित उपाय से आप बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी को इस तरह की कोई घटना है तो वो संबंधित क्षेत्र के जो निकटतम सीएससी पीएससी हैं या जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जाकर के टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही वहाँ पर दवाओं की समुचित व्यवस्था है, वो दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखें। मुहर्रम जुलूस को सकुशल सम्पन्न कराने के उपलक्ष्य में मंगलवार को नौ व्यापार मंडल अध्यक्ष और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसपी सिटी को बुके देकर सम्मानित किया और मुहर्रम जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए उनका आभार जताया। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी ने बताया कि गोरखपुर पुलिस प्रशासन मुहर्रम के जुलूस को जिस तरह से सकुशल संपन्न कराया और कहीं कोई हादसा या बात नहीं हुई है जिससे मुस्लिम वर्ग के तमाम जुलूस निकालने वाले हुसैनी अखाड़ा उस्ताद तजियादारी मुतवल्ली को खुशी है। इसलिए आज हम सभी का प्रतिनिधिमंडल मिलकर गोरखपुर पुलिस को सम्मानित कर उनका आभार जताया। इस दौरान मुख्य रूप से सोहराब खान, टीपू खान उर्फ सोनू खान और रईस अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी ने कहा, आज हम लोग एसपीसीटी साहब को सम्मानित किए हैं नव व्यापार मंडल अध्यक्ष संसार खान भोला हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तरफ से। इसलिए सम्मानित किए कि मुहर्रम जैसा त्यौहार सकुशल संपन्न कराया। गोरखपुर के अंदर 1700 ताजियादार और जुलूसों ने बहुत अच्छी तरह से जुलूस निकाला, मुतवल्लियों को और अखाड़े के लोगों को सम्मानित किया है। नव व्यापार मंडल अध्यक्ष शमशाद खान भोला, मैं सलमानी और हमारे साथ टीपू खान, सोहराब खान सारे लोग हैं। आज हम लोगों ने इसलिए सम्मानित किया पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने का आदेश था जिसका पालन गोरखपुर में हुआ, इसलिए हम लोग पुलिस विभाग को सम्मानित किए हैं, आगे भी करते हैं। जनपद में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए कभी धूप हो जा रही है तो कभी बारिश हो जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगे अभी वर्षा होगी, इसलिए बचाव के लिए घर से छाता लेकर बाहर निकले। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, मौसम चूंकि अनप्रेडिक्टेबल है इस समय क्योंकि एक वर्षा का भी समय चल रहा है, लेकिन वर्षा जो है वो स्कैटर्ड रेनफॉल हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पूर्वानुमान इस क्षेत्र के लिए लगातार आईएमडी द्वारा दिया जा रहा है और ये उम्मीद भी है कि वर्षा होती रहेगी। जैसे अभी देखे तो कुछ देर पहले बहुत तेज धूप था लेकिन अभी तत्काल रूप से बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, लेकिन अभी मानसून का पीरियड है तो वर्षा इस तरीके से हम लोग को चुटपुट मिलती। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप
आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बनहार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। जनपद में निपुण भारत मिशन के तहत अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों के कार्यों को प्रसारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत मिशन पर कार्य किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक सभी बच्चों को पढ़ाई में निपुण बनाना है, जिसके लिए भारत सरकार ने निर्देश भी जारी किया है जिस पर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अध्यापक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। हम लोग का लक्ष्य है कि सभी बच्चे पढ़ाई में निपुण बन सकें। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा कि निपुण भारत, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 आई है, उसके तहत भारत सरकार ने सभी जो हमारे कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन और प्री प्राइमरी के जो छात्र हैं उनको निपुण बनाने का टारगेट रखा है बाय 2026। और उसी टारगेट के तहत जनपद को निपुण बनाने के लिए तमाम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराना, उनके ARP जो हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, जो हमारे SRGs हैं, जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप है, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको मोटिवेट करना, और समय समय पर जो टीचर अच्छा काम कर रहे हैं उनकी स्टोरी भी ग्रुप्स के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट की जाती है, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो सके और इस दिशा में आगे बढ़ सके, जिससे हम लोग जो हमारा टारगेट है कि मार्च 24 तक हम सभी अपने विद्यालयों को निपुण बना सके, सारे हमारे जो बालक बालिका हैं वो निपुण हो सके, उसी की तर्ज पे। गोरधैया नाला के विकास विस्तार को लेकर की जा रही कार्रवाई के संबंध में गोरधैया नाला मकान बचाओ संघर्ष समिति गोरखपुर के बैनर तले मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। आपको बता दें कि गोरधैया नाले का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित अन्य कार्य होना है। नाले के किनारे मेडिकल कॉलेज से लेकर रामगढ़ताल तक 500 से अधिक मकान बन गए हैं। इन मकानों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लेखपाल चिन्हीकरण कर रहे हैं। सबके घरों में चिन्ह लगाए जा रहे हैं, इस वजह से लोग चिंतित हैं। मोहल्ले के लोगों के पास राजकर्मियों के फोन आए। राजस्व कर्मियों ने लोगों से कहा कि अपने मकान की रजिस्ट्री करा दीजिए ताकि आगे का काम शुरू हो सके। इसके बाद से लोग परेशान हो गए। मोहल्ले के लोगों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताते हुए नाले के किनारे बने मकानों को न तोड़ने की अपील की और पूर्व की तरह नाला जिस तरह प्रभावित हो रहा था उसे पक्का कर उसके सुंदरीकरण करने की बात कही। इस दौरान जगदीश सिंह, कामेश्वर सिंह, श्रवण कुमार निगम, मोहम्मद वसीम, जंगेश्वर सिंह, विवेक कुमार निगम और विनोद कुमार सहित अन्य मोहल्ले के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गोरधैया नाला मकान बचाओ संघर्ष समिति गोरखपुर के अध्यक्ष अमरनाथ उपाध्याय, रीना पांडे और कुसुम जायसवाल ने कहा प्राकृतिक रूप से बह रहा है, उतने में नाला को बहने दिया जाए, अगर जरूरत पड़े तो वो दोनों तरफ 10-10 फीट का रोड बना ले, उससे हम लोग कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा मकान बच जाएगा और हम लोग का मेन यही है कि हम लोग का मकान बच जाए और नाला बहे। नाला को 20 साल बाद सफाई हुआ तो शहर में कहीं पानी नहीं लगा हुआ है, तो उसी नाला को जो प्राकृतिक रूप से बह रहा है उसी को बहने दिया जाए और उसी को पक्का करा दिया जाए और समय समय पर सफाई कराई जाएगी तो हमारा मकान बच जाएगा। हम लोगों का बस इतना ही है कि हम लोगों को मकान चाहिए, हम लोग जिसमें रह रहे हैं हम लोग को बेघर नहीं किया, हम लोग को बेघर होने से बचा लिया जाए और हम लोगों को अपने
महाराज जी से बहुत आशा है कि हम उनको बेघर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम लोगों ने अपना मुखिया चुना हुआ है, तो हमारे घर के सदस्य हैं, सदस्य के हैं, तो कोई भी घर का जो मुखिया होता है वो ये नहीं चाहता है कि उसके घर वाले बेघर हो जाए, रोड पे आ जाए। इससे हम उनको तो बस यही चाहिए हमारा मकान बच जाए, बेघर ना हो, और ऐसा हम उनको पूरा विश्वास है कि हमारे महाराज जी तक अगर ये बात जाएगी तो हम उनको बेघर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ दिन पहले लेटर दिया गया था, और तो और है कि हमारे यहाँ जो कॉलोनी में ही जो जेई थे, जल निगम वाले जेई थे, वो गए थे, वो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसी कॉलोनी में भेदभाव कर रहा है, जिसका मकान, बहुत से लोगों का मकान जिसका थोड़ा बहुत जा रहा है, पूरे मकान का मेजरमेंट कर लिया, लेकिन बहुत से लोगों का मकान क्या हो जाए, जो जा रहा है उतना ही मेजरमेंट कर रहा है, बाकी जिसका 10 फीट बच जा रहा है, 20 फीट बच जा रहा है, वो छोड़ दे रहा है, तो भेदभाव भी कर रहा है। और यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हो गए वो फोन करके दबाव भी बना रहे हैं हम लोगों पे कि आइए वो करिए, आप रजिस्ट्री करिए, 10 दिन में आपको मकान खाली कर देना, तो इससे हम लोग मानसिक रूप से एकदम उत्पीड़ित हो रहा है, सब लोग उत्पीड़ित हो रहा है। हम लोग एक एक पैसा बचा करके अपना मकान, हम लोग को विरासत में मिली हुई घर और जमीन नहीं है कि हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारे मतलब खून पसीने की कमाई, बहुत परिश्रम से मैंने इस घर को बनाया हुआ, मैंने इस मेरा मकान जो है मेरे खुद के पैसे से बनाया हुआ, मेरे बहुत परिश्रम का पैसा, विरासत में मिली होती तो मुझे भी उतना नहीं रहता कि भाई जा रहा, लेकिन मेरे खून पसीने की बनाई हुई मकान है, तो उसको मैं तो नहीं जाने दूंगी। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि गुड़धुइया नाला जो है उसको नाले के रूप में ही विकसित किया जाए, उसको पक्का कर दिया जाए, उसका जो सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है जिससे लोगों का मकान प्रभावित हो रहा है, मकान गिराने का चिंता हो रहा है, उसको न किया जाए, और जितना नाला है अभी बह रहा है उतना पर्याप्त है, उसको जिस तरह से चाहे बना लें उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग केवल इतना कहना है कि जो मकान के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव है उसको नहीं किया जाए और सबका मकान बचा रह जाए। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लोगों को मकान बांट रहे हैं कि इनको मकान दिया जाए, और दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री के शहर में ही मकान गिराए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है। हम तो मुख्यमंत्री जी से भी यही मांग करेंगे, हम लोग दरबार में भी जाके बोले आए थे, उनको भी एप्लीकेशन दे आए थे, 6 अप्रैल को कमिश्नर साहब से मिले थे, इसी महीने के एक हफ्ता पहले जो है एडीएम सिटी साहब को भी ज्ञापन दे के गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हमारे कॉलोनी के जो लोग हैं गुड़धुइया नाला से जो प्रभावित हैं वो लोग बहुत ही दबाव में हैं, और हमको तो डर लगता है कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा और कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे। अमरनाथ उपाध्याय, हमारे बदले हम लोग बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, एकदम बेघर, हम लोग का कहीं का ठिकाना नहीं है, किसी तरह से अपने मजदूरी करके हम लोग एक एक ईंट रखे हैं, बताइए अभी उनको जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, बस मेरी मिनती यही है कि हम लोग कहाँ बचाते, हम लोग वो नाला खुशी से बनाए मगर हम लोग का घर न उजाड़े, बस यही मिलती है उनसे। जनपद के 15 ब्लॉकों को शासन के द्वारा क्रेडिट लिमिट जारी किया गया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि पंचायती राज विभाग के 15 ब्लॉकों को पैसा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़े का प्रबंधन किया जाए, जिस तरह शहरों में कार्य हो रहा है उसी तरह गाँव में भी कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में DPR बनाकर भेजा जाता है और शासन से क्रेडिट लिमिट जारी किया जाता है, गाँव के सभी गीला व सूखा कूड़ा को लेकर आया जाएगा, उसको सड़क बनाने के प्रयोग में किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, देखिए जैसे जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसमें कई गांवों को क्रेडिट लिमिट जारी की गई है, उसमें बेसिकली जो मोटिव है वो SLWM के तहत इन लोगों को क्रेडिट लिमिट जारी की गई है। SLWM मतलब सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे हम सिटीज़ में देखते हैं कि अलग अलग कूड़ा प्रबंधन का कार्य होता है, उसी टाइप से उसी तर्ज पे शहरों पे जो कार्य हो रहा है उसी को गांव में भी उसी टाइप से कूड़ा सेग्रीगेट हो, उसका प्रोसेसिंग हो, उसको देखते हुए ये अभियान एक तरीके से चलाया गया, जिसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से DPR बना के भेजी जाती है, डिमांड भेजी जाती है, और उसी डिमांड के तहत
शासन स्तर से क्रेडिट लिमिट संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में जारी की जाती है। उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो आरआरसी सेंटर है, जो हमारा रिसोर्स रिकवरी सेंटर है, जहाँ पर उस ग्राम पंचायत और आसपास की जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनको जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, स्पेशली जो प्लास्टिक है जो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता है, उसको आरआरसी सेंटर में लाया जाएगा। वहाँ उसकी गीला और सूखा कूड़ा अलग करके जो डिग्रेडेबल है उसको डिग्रेड करके उसका कंपोस्ट बनाया जाएगा, और जो डिग्रेडेबल नहीं है जैसे प्लास्टिक है और तमाम चीज़ें हैं उनकी शेडिंग करते हुए उनको कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है पीडब्ल्यूडी का या आरईडी का या अन्य किसी डिपार्टमेंट का तो उसमें लगा दिया जाएगा, ताकि प्लास्टिक जो है सड़कों पे या गांव में या नालियों में कहीं पर भी ना दिखे और उससे किसी प्रकार का प्रदूषण गांव स्तर पे और जनपद स्तर पे